बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। बीकानेर के लूणकरणसर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अचानक से एक बीघा जमीन धसी है और हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सहजरासर गांव से ढाणी भोपाल राम रोड की ये पूरी घटना है। अचानक जमीन धसने की घटना से दहशत में ग्रामीण है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, एकाएक जमीन धस जाती है और एक बीघा ये पूरी जमीन है, लेकिन अचानक से जब जमीन धसती है तो ग्रामीणों में हड़कंप मच जाता है और इससे वो काफी डरे हुए भी हैं, क्योंकि ना बारिश हो रही है, ना कोई फ्लड है, ना बाढ़ आई है, किसी भी कारण से ये जमीन नहीं धसी है, बल्कि एकाएक अचानक खुद ही ये जमीन धस गई है। विक्रम से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विक्रम, जानकारी सामने आई है कि अचानक से एक बीघा जमीन धस गई है, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, कारणों का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो सहजरासर गांव है और उसके पास से जो ढाणी भोपाल राम का की जो रास्ता है, वहां पर अचानक ये रात को जो है ये जमीन पूरी तरीके से धस गई है। और जमीन धसने से जो ग्रामीण है वो काफी हैरान है कि ये घटना किस तरीके से हुई, और एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये पूरा जमीन जो है वो में खड्डा बन गया है। और एसडीएम और सीओ जो है अभी मौके पर पहुंचे हैं और वो पता कर रहे हैं कि किस कारण से जो है ये पूरी घटना हुई है। लेकिन अचानक इस तरीके से घटना हो जाने से ग्रामीणों में काफी हैरानी है, और जो अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इसके कारण रहे, क्योंकि जहां पे ये गड्ढा बना है पूरी जमीन में वो पूरी मिट्टी की वाली जमीन है, लेकिन नीचे हो सकता है कि कोई माइनिंग का कुछ रहा हो या कोई माइनिंग की वजह से, तो कहीं ये इस तरह की घटना नहीं हुई है, ये अभी जांच का विषय है। विक्रम, क्या इससे पहले भी यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, इतनी बड़ा जो गड्ढा है वो कभी इस तरीके से पहले सुनने में नहीं आया है, लेकिन क्या इसके कारण रहे हैं, क्यों ये इतना बड़ा गड्ढा बना है, इसको लेकर ग्रामीण भी हैरान है और अभी जो प्रशासन भी है वो ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या इसके कारण रहे हैं कि वो अचानक से जो है ये पूरी जमीन जो है वो नीचे बैठ गई है। ठीक है विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इसके पीछे क्या कारण है और क्या वजह है इसका पता अब लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले इतना बड़ा जो गड्ढा है वो नहीं हुआ है, ये हमारे संवाददाता विक्रम का कहना है। और सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में एक नया अपडेट आया है। सलमान के घर हुई फायरिंग का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, और सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं शूटर। गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास से शूटरों ने फायरिंग की है। जेल में बंद बदमाशों से मुंबई एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। दोनों शूटर्स को गुजरात से मुंबई ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, गैलेक्सी अपार्टमेंट में रविवार सुबह तकरीबन 5 बजे दो बाइक सवार बदमाश आते हैं और 3 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। पहले कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जिसके आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर ली गई है मुंबई क्राइम ब्रांच ने। और जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दोनों शूटर हैं, शूटर एक शूटर दो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों शूटर्स को फिलहाल जो है वो गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनका कनेक्शन किससे है, किसके कहने पर इन्होंने गोलियां चलाई, कहां से इन्हें हथियार सप्लाई किए गए और किसके कहने पर ये यहां पर पहुंचे थे, कहां के रहने वाले हैं और क्या इनका मकसद है, क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, इनका पीछे का क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। इन सभी पहलुओं पर अब आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारी का होना ये साफ तौर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है। तो सलमान खान के घर हुए हमले पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे का मकसद सलमान खान को डराना और फिल्म इंडस्ट्री में दहशत पैदा करना है, ताकि वसूली का कारोबार आसानी से मुंबई में जमा सके। सूत्रों का यह भी दावा है कि इसीलिए गैंगस्टर अनमोल विश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया गया। सूत्रों के मुताबिक
दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताना था कि मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं बची है और उसकी जगह लॉरेंस गैंग ने ले ली है। तो गुनहगारों की तलाश लगातार जारी है, फॉरेंसिक टीम मौके पर है और लगातार तफ्तीश की जा रही है और ये कच्छ से दो आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्योंकि इसमें लॉरेंस गैंग का नाम शामिल है तो ऐसे में अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी इस गैंग के सभी लोगों से। फिलहाल जो है देखिए पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और वो जो है लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। अब जो परिवार के लोग हैं वो जब वॉक पर निकले हैं तो तब भी पुलिस का पहरा लगातार जारी है और बकायदा वहां पर जो मीडिया है उसे भी शूट करना अलाउ नहीं किया जा रहा है सुरक्षा कारणों के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले चार और ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। सभी ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस अकादमी यानी आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट का मामला। एसओजी ने चार और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बैठाकर पास की एसआई परीक्षा। रविवार को भले ही अवकाश था लेकिन एसओजी का मकसद साफ था, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी के जरिए सफलता हासिल करने वाले इन चारों ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार करना और ऐसा हुआ भी। एसओजी की डमी परीक्षा में फेल होने के बाद से ही ये चारों रडार पर थे। एसओजी की परीक्षा में चारों 25% अंक भी हासिल नहीं कर पाए जिसके बाद एसओजी ने शक के आधार पर इनके दस्तावेज और सेंटर की जांच की जिसमें डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास कराने का खुलासा हो गया। इतना ही नहीं जांच में ये भी खुलासा हुआ कि परीक्षा में पास होने के लिए आरोपियों ने 15-20 लाख रुपए भी दिए जिसमें डमी कैंडिडेट के बैठने और पेपर खरीदने की रकम शामिल थी। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। डमी अभ्यर्थी मामले में अब तक 36 ट्रेनी एसआई और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी अब उन अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन चारों की जगह एग्जाम दिया। अभी जो एविडेंस सामने आई है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक दूसरे कैंडिडेट्स की फोटो लगा रखी थी, साइन भी जो हस्ताक्षर करते हैं अपन एडमिशन कार्ड पे एग्जाम देने जाते हैं उस पर भी दूसरे डमी कैंडिडेट ने हस्ताक्षर करे हैं। तो इन्होंने ऐसे फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करने के आधार पर ये 467/68 का अपराध प्रमाणित माना गया था। एसओजी ने आरपीए से जिन ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार किया उनमें हरिओम पाटीदार, विक्रमजीत विश्नोई, श्रवण कुमार गोदारा और श्याम प्रताप सिंह का नाम शामिल है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन चारों अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट के साथ कितने अंक हासिल किए और जब एसओजी ने डमी परीक्षा ली तो उसमें इन्हें कितने नंबर मिले। सबसे पहले बात करते हैं हरिओम पाटीदार की। हरिओम पाटीदार डूंगरपुर के गलिया कोट का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा में मेरिट में उसका 645वां नंबर आया जहां परीक्षा 15 सितंबर 2021 को आयोजित हुई जिसमें हिंदी में उसे 200 में से 169.69 अंक हासिल हुए, सामान्य ज्ञान में 200 में से 118.46 अंक हासिल हुए, 400 में से हरिओम पाटीदार को 288.15 नंबर मिले जबकि इंटरव्यू में उसे 28 नंबर मिले, यानी आरपीएससी के एग्जाम में कुल 316.15 अंक मिले। लेकिन एसओजी के जरिए कराए गए एग्जाम में उसके हिंदी में 200 में से 55 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 69 नंबर मिले। विक्रमजीत बिश्नोई। विक्रमजीत बिश्नोई जोधपुर के बज्जू बीकानेर हॉल पार्श्वनाथ सिटी का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा में मेरिट में उसका 1263वां नंबर आया जिसमें हिंदी में 200 में से 158.27 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 118.91 अंक हासिल हुए, 400 में से विक्रमजीत को 277.18 अंक मिले जबकि इंटरव्यू में उसे 20 नंबर मिले।
यानी आरपीएससी के एग्जाम में 297.98 अंक मिले, जबकि एसओजी द्वारा कराए गए एग्जाम में हिंदी में उसे 43 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 43 अंक ही मिले। श्रवण कुमार गोदारा बीकानेर के बज्जू का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा में मेरिट में उसका 1708वां नंबर आया। श्रवण कुमार को हिंदी में 200 में से 135.8 अंक मिले, जबकि सामान्य ज्ञान में 200 में से 120.79 अंक मिले, यानी 400 में से 256.59 अंक मिले, जबकि इंटरव्यू में 28 नंबर हासिल हुए। कुल मिलाकर आरपीएससी के एग्जाम में 284.59 अंक हासिल हुए, जबकि एसओजी के एग्जाम में श्रवण कुमार को हिंदी में 200 में से 31 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 36 अंक ही मिले। अब बात जोधपुर के श्याम प्रताप सिंह की। श्याम प्रताप सिंह का मेरिट में 2207वां नंबर आया। श्याम प्रताप को हिंदी में 200 में से 143.43, सामान्य ज्ञान में 200 में से 95.56 अंक मिले। कुल मिलाकर 400 में से 238.99 अंक मिले, जबकि इंटरव्यू में 29 नंबर आए, यानी आरपीएससी के एग्जाम में 267.99 अंक मिले। वहीं एसओजी द्वारा कराए गए एग्जाम में श्याम प्रताप सिंह के हिंदी में 200 में से 63 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 70 अंक ही आए। सभी चारों ट्रेनिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अब इतना तो साफ है कि भले ही अब तक 36 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हों, लेकिन आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पीएम मोदी आज बिहार और बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दोनों राज्यों में 4 चुनावी कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया में सुबह 10 बजे रैली करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्णिया में जनसभा करेंगे और इन दो जनसभा से बिहार के सीमांचल की 8 लोकसभा सीटों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद पीएम मोदी बंगाल का रुख करेंगे। पीएम दोपहर 2:30 बजे दिनाजपुर के बालूरघाट में रैली करेंगे और शाम को 4:15 बजे पीएम मोदी रायगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज बिहार टू बंगाल प्रधानमंत्री की रैलियां रहने वाली हैं। 4 रैलियां एक साथ प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। बिहार के पूर्णिया और गया में रहेंगे और बालूरपुरा और रायगंज में भी पीएम की रैली रहेगी। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। ज्योति मिर्धा के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जुबानी कटाक्ष के बाद अब जुबानी मार भी शुरू हो गई है। जीत के लिए प्रत्याशी किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुरा में यहाँ से, अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ हाथ उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब करते हैं। ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा है जो नागौर सीट से बीजेपी के टिकट पर हुंकार भर रही है और अपने विरोधी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती दे रही हैं। जिस भाषा में हनुमान बेनीवाल बोलते हैं उसी भाषा में ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि खिंसर में मेरे एक भी कार्यकर्ता पर आग उठा करके देखा तो सोट यानी लाठी मार मार करके हालत खराब कर देंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुरा में यहाँ से, अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ हाथ उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर दी। 19 तारीख को जिस जोश के साथ यहाँ पे आए हैं, जिस पूरे जोश के साथ बैंड बाजे के साथ में आप पूरे गाँव में घुमा करके लेकर के आए हैं, इतने जोश और उत्साह और हिम्मत के साथ में 19 तारीख को वोट देना और किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर काम नहीं करने का भी आरोप लगाया। कहा कि बेनीवाल ने कभी भी खिलसर और नागौर के लिए कोई काम नहीं किया। पर्वतसर में थी और एक भी ग्राम पंचायत ऐसी निकली जहाँ ज्योति मिर्धा ने पहुँच करके गाँव के गवाड़ में गट्टे पे बैठ करके एम्बुलेंस का पैसा ना पाया। कोलबा था वहाँ पे तो नेताजी को था कि नेताजी को पिछली बार डिगले वोट दिए थे बीजेपी वालों ने, साथ मिलकर रला रुलू करके जबरदस्त जिता करके भेजा था और एक भी पंचायत ऐसी नहीं मिली जहाँ हमारे नेताजी पहुंचे थे। एक भी पंचायत ऐसी नहीं मिली
जहाँ सांसद महोदय का पैसा लगाओ पिछले 5 सालों में, और वहां पे लोग बैठ करके देख रहे हैं कि भाई हमने जिसको सांसद बनाया था वो खींवसर का सांसद था या वागौदर का सांसद बन के गया। और ये क्षेत्र मैं कहती हूँ ये तो गढ़ हुआ करता था, जिसको वो कहते हैं कि भाई मेरा गढ़, मेरा मजबूत गढ़, इसमें कोई घुस नहीं सकता। और आज मैं देख रही हूँ कि उस गढ़ की हालत क्या हो रखी है कि गढ़ धुरता दिखाई दे रहा है। जो आप लोग इस संख्या में आए, हमारा हौसला बढ़ जाता है आप लोगों को देख करके कि अगर माडपुरा में ये स्थिति है, अगर खरनाल में ये स्थिति है, अगर आखला में ये स्थिति है, और उससे पहले बलाया में भी अगर ये स्थिति थी तो भाई नेताजी बोर्ड लेर कटवाओ मन तो सोचना पड़ेगा। एक चीज बताना चाहती हूँ, नेताजी धमका के काम करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक भय का वातावरण फैला रखा है कि राज किसी का भी होगा काम तो मेरे कहने से होंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ज्योति मिर्दा ने हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाए हैं। इससे पहले बेनीवाल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात से ही ज्योति मिर्दा और हनुमान बेनीवाल के बीच ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार चल रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल भी ज्योति मिर्दा के हर जुबानी वार पर अपनी जुबानी कमान से भी तीर छोड़ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में लोकसभा के रण में जीत के लिए केवल जुबानी वार ही चल रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है वो आने वाले समय में ही तय हो जाएगा। News 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल का तनाव जो है महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। घंटों की मैराथन बैठकों के बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि ईरान पर अलग अलग तरीके से हमले होंगे और इसके लिए अमेरिका को विश्वास में लिया जाएगा। इजराइल के PM नेतन्याहू ने हमला करने के लिए IDF चीफ से टारगेट के विकल्प मांगे हैं, यानी किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है इजराइल। तो फिलहाल आपको बता दें ये खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि इजराइल ईरान का युद्ध जो है तनाव भरा हो गया है और ये महायुद्ध में भी तब्दील हो सकता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, फौरन हाजिर होते हैं। लगता है तो वहीं एक ऐसा भी शमशान है जहां दिन तो क्या रात में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये शमशान है भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्ष धाम में, जहां स्थित मां शमशान काली के मंदिर में दिन तो क्या रात में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर नवरात्रि में अर्धरात्रि को कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भाग लेने भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि कई जिलों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ये पंचमुखी मोक्ष धाम का भीलवाड़ा का सबसे पुराना मोक्ष धाम है, और मोक्ष धाम में विराजित बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा है। माता का आगमन लगभग 4 से 5 वर्ष पहले हुआ था, कलकत्ता से माता का आगमन हुआ है कालीगढ़ से। ये यहाँ खासियत ये है कि अधिकतर मंदिरों में सुबह और शाम को अनुष्ठान होता है, लेकिन इस शमशान में विराजित माँ शमशान काली के अंदर माँ मंदिर के अंदर मध्य रात्रि के अंदर अनुष्ठान, अघोर अनुष्ठान व सात्विक अनुष्ठान मध्य रात्रि में होता है। माता का हवन पूजा और नित्य आरती व मध्य रात्रि के अंदर ही होती है शमशान। वर्षों से हम इस दर पर आ रहे हैं, आस्था का केंद्र बना हुआ है हमारा ये। यहाँ साक्षात हमने कई बार उनके चमत्कार देखे हैं, माता जी के कई बार चमत्कार देखे हैं। यहाँ जितने दुखी भक्त आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनका दुख दूर होता है। हर वर्ष नवरात्रि के समय में यहाँ विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। आज रात्रि जागरण का कार्यक्रम है, कल भक्तों के भंडारे का प्रोग्राम रहेगा। जिस शमशान में लोग जाने से डरते हैं, वहीं इस शमशान काली के दर्शन करने के लिए भीलवाड़ा जिले के बाहर से लोग यहां पे पहुंचते हैं। टोंक, सवाईपुर, भरतपुर, जयपुर और भी कई जगहों से लोग यहां आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। रात की 12 बजे यहां पे आरती होती है, बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष यहां पे पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, माता रानी की आरती करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माता रानी से। नवरात्रा में अलग ही विधिवत रूप से इनकी पूजा की जाती है, कई तरह की मान्यता इस मंदिर की है। लोग बाग अपने कष्ट माता रानी को बताते हैं और माता रानी उनके कष्टों को हरती है। ऐसा मंदिर जो कि शमशान में विराजमान है, जहां पे माता विराजमान है शमशान में, ऐसा मंदिर कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। भक्तों के लिए अभी आस्था का केंद्र बन चुका है,
भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो जनरेशन अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18, भिलवाड़ा। और अब खबर श्रीगंगानगर से आपको देंगे, जहां चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माता रानी के भक्त आज दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आज घर घर में कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया जा रहा है। आज दुर्गाष्टमी के दिन जहाँ घरों में कन्या पूजन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर माता रानी के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।